लगा भैया हम करते और उसके लिए जो है शाबाश। अच्छा ये वेल्ड कराया नहीं राज की मैं वेल्ड वेल्ड कराया अच्छा मतलब चक्का निकल गया सी बाहर चलो डिगन तो बच गई बेटी अच्छा डिगन तो ही बच गई एंड अप सरून बड़े वाले से आवे असल अंदर कर दे अच्छा ये वेल्ड कराया वेल्ड ही करता ये चकनट चूड़ी दोनों ही मतलब खोल के ना हाँ 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 एक मिनट आई है ना भाई मतलब ये होया की है ये दस मुर्गे तो चलो हो जाएंगे डंडे वाले डंडे का डंडा खोलना पूरा हाथ चिकन हाँ जी नहीं राज की मैं वेल्ड वुल्ड कराया ना वेल्ड कराया अच्छा मतलब चक्का निकल गया सी बाहर चलो यहीं डिगन तो बच गई बेटी अच्छा डिगन तो ही बच गई चलो कोई नहीं कोई चक्कर नहीं उन्होंने कर देंगे हैं ठीक है गड्डी लाओ घुमा के ठीक है हाँ हाँ कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर ये सपोर्टा एदियाँ लगन गिया झूले भी हो जाएंगे वो कित लानी है वो इत नहीं लगती होंगी वो फ्री च लगती होंगी है ए च नहीं लगती होंगी हाँ ना ए च नहीं लगती होंगी ए तो फिर नहीं ए च नहीं लगती जे इतने होंगे ना झूले मूहरे ओद लगती होंगी है हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत वाली गल नहीं तुम वह लाओ जरा गड्डी लाओ घुमा के जरा है फिर डंडा वंडा खोल दें जान दे ठीक है ठीक है ठीक है सीधी आन दे सीधी चल 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 ठीक है सीधे कर ले घोड़ा चल जान दे और चल और चल और चल बस 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 कोई नहीं सही है बस रहन दे बंद कर दे थोड़ी एक मिनट है थोड़ी अगे कर दे थोड़ी परे नू बस बस बंद कर दे चलो चक्का ही वेल्ड किया वा बाहर चक्का चुक्का निकल गया होना वो वेल्ड किया वा चूड़ी हूँ वो भी होनी है फ्री चलो सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है हम सबके आई हो बढ़िया ही होगे मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि ये भाई साहब का चक्का मतलब इस ट्राली का चक्का मतलब निकल गया था रास्ते में तो वो भाई ने वेल्ड करवाया। चलो अब रस्ते का काम तो आप लोगों को दोस्तों पता ही है कैसा होता है। तो ये है घोड़ा 4018 घोड़ा है दोस्तों ये ट्रेलर है इसके पीछे जो लगा हुआ है और फूवा के इसमें एक्सल हैं दोस्तों। वैसे फूवा के एक्सल को लोग बहुत अच्छा मानते हैं है भी ऐसी बात नहीं है मतलब काफ़ी बढ़िया होता है मतलब टाटा से तो बेटर है। और इसका जो है मतलब कि चक्का निकल गया होगा तो ड्राइवर ने बाहर वेल्डिंग करा लिया। चलो जैसे भी हुआ बाहर का रस्ते का काम तो आपको पता ही है और ठीए का काम तो ठीए का ही होता है। तो ये आपने देखा ही है चक्का इन्होंने वेल्डिंग कराया तो मैंने इसे कहा मैंने कहा हम डंडा खोलते हैं और इस एक्सल को खोल के फिर इसकी चूड़ी सीट वेल्ड करके देखो दोस्तों यही होता है। ये थोड़ी सी हम ड्राइवर साहब की ही गलती कह सकते हैं इसमें मालिक की या मिस्त्री का तो कोई मैटर ही नहीं है
क्योंकि ड्राइवर साहब की थोड़ी सी गलती ये है, देखो सारे ड्राइवर एक जैसे नहीं होते, कई कई ऐसे होते हैं कि अपने मतलब गाड़ी को ऐसे रखते हैं बिल्कुल टिंच करके और बिल्कुल टाइम टू टाइम चेक करते हैं। दोस्तों ये चकनट होता है मतलब देख चुन मिक्स, तो मैंने कहा छेना लेकर आओ काट के देख लेते हैं ठीक है, नहीं तो इसको फिर वेल्डिंग को ग्राइंडर से काटेंगे जैसा भी है। तो दोस्तों ये देखिए आप, इसको ग्राइंडर से हम सारा जो वेल्डिंग ये भाई करवा के लाया ना, तो इसको तो हम काट रहे हैं। तो इसको काटते काटते पहले तो भाई ये मिस्त्री अपना थोड़ा सा ऐसा हो गया ही मेरे से खुल नहीं रहा या जो भी है, मैं कहा कोई बात नहीं तू ग्राइंडर मार जितना तू काट सकता काट, उसके बाद मैं देखूंगा इसे। तो मैंने इसे भाई को कहा, तो ये भाई इसको रगड़ रहा है। मैंने पहले ये सोच रहा था कि यही चक्का ऐसे फिट होएगा, मैंने कहा तू इसे तोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब चीज़ वेल्डी होगी वो तो चीज़ ख़त्म हो गई, अब तो हम इसको नए सिरे से लेके चलेंगे। और मैंने कहा फिर तू इसको बिल्कुल वेल्डिंग को रगड़ दे सारे को जितना भी है, जो गुल्ले पे सब वेल्डिंग कर रखे हैं सारे, ये कोने सब भरे हुए हैं वेल्डिंग से। तो दोस्तों इसको ग्राइंडर से कट करके और फिर इसको हम चक्के को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते रहिए आप, जैसे भी करते हैं हम, तो बन रही है आप इस वीडियो में। दोस्तों इस चक्के को निकालने में कम से कम आधा से पौना घंटा लग गया। देखो दोस्तों जो अब नई चीज़ होती है या पुरानी मतलब जो भी है मतलब जो वेल्डिंग नहीं होती उसमें, दोस्तों देखो उसमें कोई नहीं, चकनट खोला चक्का बाहर, चोट मारी या पूलर लगाया और चक्का बाहर। तो लेकिन इसमें तो देखो दोस्तों टाइम तो लगता ही है, अब जो ऐसा काम हो रहा है उस काम में दोस्तों मज़ा भी अलग आता है, जो काम फंसा हुआ होता है ना उसको करने में मज़ा अलग ही आता है। अब उसमें मज़ा नहीं आता जब हमने चीज़ खोल ली फिर बांध दी, उसमें तो चलो पता है भी रोज़मर्रा काम है, जो फंसा हुआ काम होता है उसमें मज़ा ही अलग होता है। तो दोस्तों अगर ये खुलता है ठीक है, नहीं इसको जो थोड़ा सा वेल्डिंग अभी रह रहा है उसे दोबारा और काटेंगे, काटने के बाद देखते हैं क्या है फिर। तो दोस्तों बनी नहीं बात, इसको जो है उसको मैं टेपर कर रहा हूँ और इसे वेल्डिंग को पूरा ही ख़त्म करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये जो चकनट है ना दोस्तों, मतलब उसने ऊपर रख के ऐसे ही वेल्ड मार रखा है, तो पहले तो हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरे ख्याल से ये चकनट ऐसे ही रख के ना ऊपर, मतलब जब चीज़ फ्री हो जाती है तो वो चूड़ी के ऊपर चूड़ी नहीं चलती, ऐसे ही हाथ से रख के उसे वेल्डिंग कर रखा है। तो चलो आप देखते रहिए वीडियो को, पता लग जाएगा आपको ये चूड़ी पे चढ़ी हुई है या फ्री है चकनट, अभी आपको पता लग जाएगा। इसने आधा से पौना घंटा हमारा इस चक्के ने ख़राब कराया। चलो ख़राब तो क्या, अब जब काम आया तो वो तो करना ही है, लेकिन हमारा तो अभी जो काम 5-10 मिनट का होता है उसमें टाइम लग गया। चलो खैर कोई बात नहीं, इतना पल्ली साइड का खुल जाएगा। और मैंने कहा तो इसको खोल अब देखते हैं मार दबा के चोट। तो दोस्तों बात बनती दिखी नहीं, तो मैंने कहा तू जंबूर और छीनी लेके आ, तो इसको हम काटते हैं। तो जैसे जैसे हम दोस्तों इसको काटते चले गए तो ये चोट लगती गई घन की और ये ढीला होता चला गया। तो फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा ये ऊपर रख के ही वेल्डिंग करा हुआ है, फिर मैंने विपिन को कहा, मैं कहा तू इस पे हब पे चोट मार और ये बाहर ही आ जाएगा। चलो बाकी देखते हैं, आप देखते रहिए इसको। और फाइनली ये हुआ क्या, चकनट देखो कितना बाहर आ गया, मतलब ऐसे ही रख के उसने मतलब वेल्डिंग किया हुआ था। लो दोस्तों, तो फाइनली चक्का इतने टाइम के बाद बाहर आ ही गया, तो काफ़ी टाइम पी लिया इसने दोस्तों चूड़ी। और अभी आपको दिखाऊंगा मैं डंडा, आप देखना, मतलब चूड़ी और सीटें बिल्कुल नीचे से ख़त्म ही हैं दोस्तों। मतलब देखो ये तो एक लापरवाही कही जाएगी कि ये चीज़ अगर चेक नहीं करोगे तो दोस्तों यही हाल होगा। अब ये चीज़ अगर ड्राइवर भाई ने अगर चेक करी होती तो यहाँ तक नौबत ना आती। चक्के दोस्तों रेगुलर मतलब हर एक दो चक्कर बाद ना चेक होने बहुत ज़रूरी हैं, मतलब उससे आपका ही फ़ायदा है उसमें भाइयों जो भी है, मतलब कि अगर चक्के वगैरह ढीला नहीं होंगे उससे टायर भी नहीं खाएगी, बहुत हर चीज़ का छोटी छोटी चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। तो दोस्तों बस इसका एक्सल खुल चुका है, अब हम रेडी के ऊपर रख के और इसको बस अंदर ला के इसको सीट को वेल्डिंग करेंगे और चूड़ी भी। और बड़ी सीट का तो इतना कोई, अंदर की सीट जो बड़ी सीट होती है वो तो अपने मिस्त्री भाइयों को पता ही है कि उसको तो ज़्यादा टाइट रखा ही नहीं जाता, लेकिन मैं छोटी सीट जो इसकी ख़त्म हुई हुई है अभी, आप देखना कि कितना उसमें फ़र्क है, आ जाओ। तो दोस्तों ये रख लिया है हमने ऊपर एक्सल वेल्डिंग करने के लिए रखा है। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि गुल्ले का क्या हाल है, मतलब चक्का निकलने से क्या हाल हो रहा है, और चूड़ी तो पहचान में नहीं, ऐसा लग रहा है कि सीट ही सीट है बाहर तक। तो ये देखिए दोस्तों,
आगे से चूड़ी का हाल देखो, ऐसा लग रहा है कि सीट है और क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता। बैरिंग भी टूट गया, चकनट भी उसने वेल्ड कर दिया। तो बस दोस्तों, वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं इतनी लंबी होने नहीं लूँगा। 12-15 मिनट तक की वीडियो रखेंगे हम। तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो वो आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना कि वीडियो मैं 10-15 मिनट तक की बनाया करूं या 20-25-30 मिनट की भी चलेगी। तो दोस्तों, इसके झूले और मुर्गे भी इसके करने थे, मतलब ये देखो आप देख रहे होगे पिन में साइड से ऊपर से थोड़ी बहुत कटिंग हुई हुई है। तो जैसे भी है, चलो कोई बात नहीं। तो ड्राइवर साहब कह रहे थे कि इनको भी कर देना, चाल हो रही है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो उसके लिए हमें कमानी उतारनी जरूरी है। अगर कमानी उतारेंगे तभी झूले इधर को बाहर को निकलेंगे। तो हम फिलहाल कमानी को रेडी के ऊपर रख रहे हैं। दोस्तों, इन रेडियो का तो काम अब ना के बराबर ही है, बहुत टाइम की। कम से कम भी ये जो कमानी के नीचे रेडी पड़ी है ना, एक उस कमानी के नीचे और एक इसमें, ये प्लेटों, पहले प्लेट डलती थी कमानियों के नीचे 10 चक्की गाड़ी में, नीचे ना लाइन के लिए प्लेटें डालते थे 4 सुराखों वाली। तो ये उसके लिए हमने काट के बनाई हुई थी, तो इस पर पूरी कमानी सेट आ जाती थी। तो अब तो इनकी जरूरत ही बहुत कम पड़ती है दोस्तों, कमानी ऊपर ही बांध देते हैं, नीचे खोली ऊपर बांध दी। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और आप जो दोस्तों इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करते हो, ठीक है दोस्तों, उसका तो मैं धन्यवाद बार बार करूं, जितना करूं उतना थोड़ा है। जितना आप मुझे प्यार भेजते हो उसका दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो कमेंट भी आपके पढ़ेंगे, उसकी भी वीडियो आएगी, जैसे भी है वो मैं बोलूँगा, या फिर मैं जैसे भी है लाइव बैठकर उस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो अभी झूले की पिन निकली है कितनी कटी हुई थी दोस्तों, ये अब आधी सूखी चली हुई थी और इसमें ग्रीस भी नहीं था। तो पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, यार मुझे कोई समझ नहीं आता। लेकिन देखो, हर तरीके के आदमी हैं, ड्राइवर हैं, मिस्त्री हैं, दुनिया में हर किस्म के बंदे हैं। देखो, अब इसमें ग्रीस ना होने से ये है कि चीज़ कट गई, एमरी बन जाती है, मिट्टी लग जाती है। चलो खैर, कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं होगा तो हम मिस्त्री लोग कहाँ जाएंगे यार, सही है नहीं? ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब इसको हम झूले खोल के अंदर लेके चलेंगे। दोनों झूले खोल लिए हैं, तो काम तो हमने लगभग सारा खोल लिया है। और ये देखिए दोस्तों, गुल्ला क्या हालत में है। सीट और चूड़ी दोस्तों दोनों इकट्ठी वेल्ड करेंगे इसकी। और इधर का तो इतना कोई खास नहीं है, ये ओके है। तो आइए दोस्तों, इसको अब मैं वेल्डिंग करूँगा, तो आप भी देखना। इसको हम मिक्स से नहीं, इससे हम सिंपल रॉड वाले वेल्डिंग से इससे ही वेल्ड करते हैं, क्योंकि ये तो वेल्डिंग करके इसका साइज ही बनना होता है, तो कटना ही होता है। तो मिग वेल्ड तो काफ़ी फिर हैवी रहता है, उसकी पावर भी ज़्यादा है, कटिंग में भी दिक्कत आएगी फिर। तो ये सिंपल वेल्ड से हम इसे वेल्डिंग करेंगे, और वेल्डिंग करने के बाद बस इसको फिर हम मशीन पर लेके चलेंगे। तो जैसा भी है, तो उससे पहले दोस्तों इसको वेल्डिंग कर लूँ मैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ना वेल्डिंग हम तेज करंट पे कर लेते हैं, तो वो वेल्डिंग पतला पतला हो जाता है। तो हमने ये होगी कोई 8-9 साल पहली बात, तो उस टाइम सीटें बहुत बनती थी, सीटें तो अभी बहुत बनती हैं, चूड़ी सीट एक्सलों की। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मैंने कहा चलो एक वेल्डिंग करके देखते हैं। तो तेज करंट पे में जब मैंने वेल्डिंग करा, तो वो जब ऊपर हम सीट बनाने लगे, तो दोस्तों वो सीट तो उसमें हल्के हल्के खांचे से रह गए, तो सीट उसकी प्रॉपर बन गई। तो फिर मैंने कहा भाई ये काम ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद और आज का दिन है, और वो दिन था, मतलब 8-9 साल हो चुके हैं लगभग, 2011-10 की बात होगी, आई थिंक ज़्यादा ही हो गए, 10 के करीब हो गए साल, ऊपर ही हो गए। तो वो मतलब जब हम इसमें वेल्डिंग करते हैं ना, तो कम करंट पे वेल्डिंग करो दोस्तों, तो कम करंट से वेल्डिंग होगा मोटा। अब मोटा तो एक एक लेयर रखते चले जाओ, तो उसका मज़ा ही अलग आता है, एक फिनिशिंग भी बढ़िया आती है। और फिर जब हम साइज़ बनाते हैं इसका सीट का, तो उसमें अलग ही मज़ा आता है, ऐसे लगते जैसे ओरिजिनल। तो आपको दिखाऊँगा तो वीडियो में, जिस टाइम सीटें बनाएंगे और चूड़ी बनाएंगे, और मज़ा आएगा दोस्तों जिस टाइम हम इसे लेथ मशीन पर ऊपर चढ़ाएंगे ना, तब आप देखना जिस टाइम फिटिंग का काम होगा। दोस्तों एक चीज़ आप और बताइए मुझे, कि जो मैं लाइव आपके कमेंट पढ़ता हूँ बैठकर, वो सही है या मैं वीडियो में बीच में बोल के ही आपके नाम लेके कमेंट पढ़ दिया करूँ, या जैसे भी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अभी आप कैसे चाहते हो, लाइव चाहते हो मतलब हमारे आपके कमेंट के जवाब देना, या मतलब ऐसे ही जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ
तो इसी में आपको मैं जवाब दे दिया करूँ। तो जैसे आप कहोगे, जैसे आप भाइयों का साथ है ठीक है, जैसे भी कहोगे वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और मैं वेल्ड करके इसको फटाफट मशीन पर लेके चलते हैं फिर। तो दोस्तों वेल्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। तो इसको तो मैं मसाले को उतार रहा हूँ और चेक कर रहे हैं कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। तो आइए दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, जो वेल्डिंग करने में इतना टाइम लग जाता है, तो वेल्डिंग में जब तक मज़ा नहीं आता दोस्तों, जब तक सफाई और बढ़िया वेल्ड ना हो जाए। आप ये देखिए दोस्तों, ये जो सुराख है ये लॉक का सुराख है, मतलब इसमें चक्रण खींचने के बाद लॉक कर देते हैं। दोस्तों ये जो इसमें झूले जो थे ना, दोनों जो ड्राइवर ने खुलवाए थे, तो वो आगे से, मतलब ड्राइवर साहब कह रहे थे सपोर्टें इसकी कटी हुई हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं उसमें सपोर्टें काट के और वेल्डिंग कर दूंगा। तो जो अब काम स्टार्ट होने वाला है ना दोस्तों, उसमें तो कुछ अलग ही मज़ा आने वाला है, और वो आप देखना। इसमें झूले में सपोर्ट तो चलो वेल्डिंग कर देंगे, उसके बाद जो मैं सीटें बनाऊँगा मशीन पर, और उसके बाद जब हम फिटिंग करेंगे तो रात हो जाएगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, काम तो निपटाना ही है। लेकिन आप देखते रहिए इस वीडियो को और कंटिन्यू रखिए दोस्तों, और आपके जो कमेंट है वो कमेंट भी मैं पढ़ूंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों जो मैंने सपोर्ट काटी थी ना, तो वो पीछे गिर जाती हैं, तो उसको उठाकर मैं देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी छोटी हुई है। तो दोस्तों उसमें थोड़ी सी गुलाई करनी पड़ेगी, वो हल्की सी मोड़नी भी पड़ेगी, और मोड़ने के बाद इसमें मैं सेट करके देख रख दिया, क्योंकि अब हो रहा है लंच टाइम और विपिन खा रहा है मतलब खाना। तो मैंने उसे कहा मैं तुझे मोड़ के रख देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ लंच पर, तो तुम जब तक मैं आऊँगा तो तुम इसे वेल्डिंग करके रख देना। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और काम का जो हम सीट बनाएंगे और चूड़ी बनाएंगे, उसका तो एक अलग ही लेवल आएगा, जैसे लाइक ओरिजिनल डंडे की चूड़ी होती है ना दोस्तों, ऐसा। मतलब जब हम चकनर चूड़ी काटूंगा ना मैं गुल्ले की मशीन पर, तब दिखाऊंगा आपको दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्दी।